पश्चिमी दिल्ली और बाहरी दिल्ली से हरियाणा के बहादुरगढ़ तक मेट्रो लाइन की शुरुआत हो गई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इनॉग्रेशन किया। फिलहाल इस मेट्रो ट्रेन में सीएम मनोहर खट्टर और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी हैं जो सफ़र कर रहे हैं। ये पहली राइड है आम जनता के लिए, शाम 4 बजे रविवार से खोली जाएगी। लेकिन कितना फ़ायदा होने वाला है आप जब इस लाइन को देखते हैं, कितना फ़ायदा? सबसे ज़्यादा टाइम की बचत होगी, जो भी बच्चे कॉलेज जाते हैं, नौकरी वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। दूसरा फाइनेंशियली फ़ायदा भी है उनको, और तीसरा इन्वायरमेंटल बेनिफिट है। कि फिलहाल आप देखते हैं कि इस रूट पर बहुत जाम लगता रहता था, 1 लाख से ज़्यादा रोजाना आदमी यहाँ से जाते हैं दिल्ली, उनको सबको फायदा होने वाला है। महिलाओं के लिए भी फायदेमंद रहेगा क्योंकि रूट बहुत बिजी रहता था, आमतौर पे देर में सफर करने में दिक्कत होती है। जी बिल्कुल, ये महिलाओं के लिए तो और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया कि हमें अभी इतना भीड़ में तंग नहीं होना पड़ेगा। ट्रैफिक इसमें जो है ना काफ़ी असर पड़ेगा और उससे जो है पोल्यूशन पे भी कम असर होगा। अब जो है ना बहुत ज़्यादा जैसे ट्रैफिक में लोकल व्हीकल्स भी जैसे वैसे चलते थे और जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ने से जो है काफ़ी बच्चों को काफ़ी बेनिफिट होगा। एम्प्लाइज जो हैं हरियाणा से दिल्ली में बहुत ज़्यादा जाते हैं, उनको बहुत बेनिफिट होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अब बहादुरगढ़ से दिल्ली वेस्ट जो पूरा एरिया है उसमें अब कनेक्टिविटी और सीधी हो गई है। मेट्रो की तरफ से बताया गया है कि जब आप इंदर लोक से कीर्ति नगर की ओर, इंदर लोक से सिटी पार्क बहादुरगढ़ आएंगे तो अब जो सफ़र है वो केवल 50 मिनट के अंदर हो जाएगा। इसी तरह कीर्ति नगर से भी जो सफर है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। जाहिर तौर पर अगर आप पहले बाय रोड आते थे तो इसमें आपको 2 से 2.5 घंटे भी खर्च हो जाते थे क्योंकि अमूमन इस रूट पर ट्रैफिक बहुत रहता था। फिलहाल मेट्रो की कनेक्टिविटी से हजारों लोगों को रोजाना फायदा पहुंचने वाला है।